गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक इज मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक मंथली साइकिल है फीमेल्स का, जो आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। मंथली साइकिल ऑफ फीमेल्स विच स्टार्ट्स After puberty. No students, ये menstrual cycle जो है ये determine करता है कि whether female जो है वो reproduce कर सकती है, reproductively mature है कि नहीं है। जब menstrual cycle start होता है, यानी कि onset of menstrual cycle, इसको कहते हैं menarche। What is menarche? Onset of menstrual cycle at the age of puberty means 12 to 14 years जो age होती है, यहां से ये start होता है। और males में जो sperm production है वो throughout life रहती है, लेकिन females में जो है 45 to 50 year के बीच बीच ये menstrual cycle stop हो जाता है, यानी कि stoppage of menstrual cycle। जो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं मेनोपॉज। ये जो लाइफ है मेनार्च और मेनोपॉज के बीच, ये जो लाइफ है ये फर्टाइल पीरियड ऑफ फीमेल होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? फर्टाइल पीरियड मींस के इस टाइम जो है फीमेल्स रिप्रोडक्टिवली मेच्योर होती हैं और वो क्या कर सकती हैं, यंग वन प्रोड्यूस कर सकती है। ओके, अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन क्या होता है, कब स्टार्ट होता है और कब स्टॉप होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसको हम चार फेसेस में डिवाइड करते हैं। अगर फेसेस देखें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है मंथली साइकिल एक महीने में, इसको हमने चार फेसेस में डिवाइड किया होता है। कितने फेसेस में? फोर फेसेस। व्हाट आर दैट फोर फेसेस? ये मैंने चार्ट बना दिया है, फोर फेसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू फोर फेसेस। नाउ फर्स्ट वन इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग फेज, सेकंड वन इज ओवुलेटरी फेज, थर्ड वन इज ल्यूटियल फेस, एंड फोर्थ वन इज मेंस्ट्रुअल आर ब्लीडिंग फेस। मेंस्ट्रुअल फेस आर ब्लीडिंग फेस। नो स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा लास्ट में, लेकिन डे वन मैंने यहां से काउंट किया है, यानी कि अगर डे के हिसाब से देखें तो 1 to 7 days ये होता है, फर्स्ट 7 days। सेकंड ये जो है 7 to 12 days मैंने लिखा है, उसके बाद थर्ड जो है 12 to 17 days मैंने लिखा है, फोर्थ जो है वो 17 to 24 days लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो मेंस्ट्रुअल है यानी कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसका फर्स्ट डे काउंट होता है, जहां से फीमेल की ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, यानी कि ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग इज रिकॉर्डेड एज फर्स्ट डे। लेकिन अगर हम पूरा प्रोसेस पढ़े तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग फेस वो फेस है जो इस साइकिल को स्टार्ट करता है। कैसे? जैसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग फेस को हम पढ़ेंगे तो इस फेस में क्या होता है, इन दिस फेस दी FSH, क्या FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इट स्टिमुलेट्स। अब ओवरी के अंदर क्या होते हैं, इमेच्योर ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल्स जिनको कहते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल से मेच्योर ओवम बनाने में जो हेल्प करता है वो कौन सा हार्मोन है मेच्योरेशन, वो है FSH, यानी के फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग फेस का लिखेंगे, इन दिस फेस द FSH प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट्स द ग्रेफियन फॉलिकल टू प्रोड्यूस द मेच्योर ओवम। अब ये 12 to 7 to 12 डेज में क्या होगा,
ये ओवरीज को, ओवरीज के ग्रेफियन फोलिकल को मैच्योर कर देगा। अब जब ओवम मैच्योर हो गया तो ओवम ने रिलीज होना है, तो सेकेंड फेज आ जाता है। सेकेंड फेज कौन सा है आपका? ओवुलेशन, ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज जो है ये ड्राइव्ड हुआ है ओवुलेशन से। ओवुलेशन का मतलब होता है, व्हाट इज ओवुलेशन? रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ ओवम। तो ओवम जो है वो रिलीज होता है ओवरी से, इस प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन। और ये 12 to 17 डेज के बीच कभी भी हो सकता है। इस फेज को हम कहते हैं ओवुलेटरी फेज, यानी कि इन दिस फेज द मैच्योर ओवम इज रिलीज्ड बाय द ओवरी। नो, अगर हम ये ओवरी देखें, ऐसे ओवरी हो गई, ये जो फॉलिकल है ये मैच्योर हो गया और यहां से एग रिलीज हो गया। एग क्या हो गया? रिलीज मींस ओवुलेशन हो गई। तो यहां पे एक येलो स्पॉट बन जाता है, यहां पे क्या बन जाता है? येलो स्पॉट। इस येलो स्पॉट को, द येलो स्पॉट फाउंड आफ्टर द रिलीज ऑफ एग इन ओवरी इज नोन एज कार्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं उसको? कार्पस ल्यूटियम। ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये येलो स्पॉट बनता है कहां पे? ओवरी आफ्टर ओवुलेशन। और ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है? 17 to 24 डेज में बिल्कुल मेच्योर हो जाता है और ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसको मैंने आपको बोला था लेटर ऑन ओवरी प्रोड्यूस करती है प्रोजेस्ट्रॉन। ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है प्रोजेस्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, मींस कि जब फर्टिलाइजेशन होनी है एम्पुला में, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है, टूट जाता है। ये पार्ट जो है ये रप्चर हो जाता है, मेच्योर उसके बाद नहीं होता। ये जो है, अब मैंने कल आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तो उसके अंदर वाली लाइनिंग जो यूट्रस की थी, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, मेच्योर ओवम जो है वो रप्चर हो जाएंगे। और ये मैंने लिखा है यूट्राइन लाइनिंग डिटैच, मीन्स यूट्राइन लाइनिंग क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। किससे? अपनी मेन यूट्रस से। तो वो अलॉन्ग विद अनफर्टिलाइज्ड एग ओजिस और थ्रो वेजिना। ठीक है, तो ये फेज जो है इसको बोलेंगे जब ओजिंग ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग अलॉन्ग विद एंडोमेट्रियल लाइनिंग, अलॉन्ग विद एंडोमेट्रियल लाइनिंग इज कॉल्ड मेस्टुरेशन एंड दिस फेस इज नोन एज मेस्ट्रुअल फेस। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया। मेस्ट्रुअल फेस को हम ब्रीदिंग फेस भी कहते हैं। वाई? बिकॉज अनफर्टिलाइज एग जो है वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग के थ्रू वेजिना से क्या हो जाता है? ओजिंग आउट हो जाता है। ये आगे हमारे फोर फेसेस स्टूडेंट्स क्लियर हो गए। अब मैं आपको थ्रू चार्ट भी बता देता हूं। थ्रो चार्ट, ये चार्ट में मैंने ये जो चारों फेस लिखे हैं, ये देखो, फर्स्ट फेस मेस्ट्रुअल फेस, ये फोर्थ फेस है, लेकिन इसके डेज जो फर्स्ट से सेवन पहले डेज आते हैं, तो इसलिए फर्स्ट टू सेवन डेज में आपने मेस्ट्रुअल फेस बनाना है। 7 to 12 डेज ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन फेस, क्योंकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रोल होता है FSH का रोल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? यहां पे रिलीज ऑफ एग होता है, रिलीज ऑफ एग या ओवम। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। ये जो प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरॉन इज नोन एज प्रेगनेंसी मेंटेनर हार्मोन, यानी कि प्रेगनेंसी को प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है, और वो तब भी प्रोड्यूस होता है इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कार्पस ल्यूटियम मैच्योर नहीं होता, नहीं प्रोड्यूस कर सकता। अब 24 डेज के बाद क्या होता है? अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो इम्प्लांटेशन नहीं हो सकती, मींस कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो अगर यूट्रस के साथ जुड़े तो उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। लेटर ऑन हमने इम्प्लांटेशन स्टडी भी करना है। वो नहीं होगा तो यूट्रियन जो यूट्रस की लाइनिंग होगी, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, वो क्या हो जाएगी? अपनी मेन वॉल से डिटैच हो जाएगी और वो भी क्या हो जाएगी? ओजिंग आउट हो जाएगी थ्रू वेजिना। दिस इज ओवर मेंस्ट्रुअल साइकिल।